गाजा युद्ध पूरी तरह से विनाशक हो चुका है। यूएन ने साफ कह दिया है कि गाजा की धरती पर अब कोई सुरक्षित नहीं रह गया है। इधर हमास ने साफ कहा है कि सुरंगों में मौजूद उसके 40,000 लड़ाके इजराइल के लिए साक्षात मौत है। इजरायली सेना को मार रहे 40,000 आत्मघाती। रूस यूक्रेन जंग से कई गुना क्रोध और खौफनाक जंग इस वक्त गाजा पट्टी में चल रही है। सात अक्टूबर से शुरू हुई जंग में बेशक हमास के 12 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को इजरायली सेना ने मार दिया हो, लेकिन हमास ने भी इजरायली सेना के 30 के करीब सैनिक और कुछ कमांडर्स को मार गिराने का दावा किया है। यहां तक कि हथियार और तकनीक के मामले में कमजोर समझे जाने वाले हमास ने सुरंग युद्ध में इजराइल की आईडीएफ को पूरी तरह से घेर लिया है। भले ही जंग में हमास के 3,000 के करीब लड़ाके मारे जा चुके हैं, भले ही हमास के 35 के करीब टॉप और जूनियर कमांडर मारे गए हों, लेकिन अभी भी 500 किलोमीटर के एरिया में फैली हमास की 1,300 सुरंगों में 40,000 से ज्यादा हमास के आत्मघाती लड़ाके। इजरायली सेना पर बहुत बड़े हमले करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमास के कई वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंगों के जाल से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना, टैंक और भारी तोपखाने पर रॉकेट से घातक हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 29 अक्टूबर के बाद से अचानक हमास और हिजबुल्ला मिलकर इजरायली सेना पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजराइल दावा कर रहा है कि गाजा की जंग अब हमास और हिजबुल्ला कभी नहीं जीत पाएंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने हमास के नंबर 2 कमांडर याया सिनवार की हत्या करने की कसम खाई है। गाजा युद्ध का मास्टरमाइंड हमास का नंबर 2 कमांडर। كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. ये बिल्कुल साफ हो चुका है, हमास और हिजबुल्ला निश्चित तौर पर एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा हमला इजराइल पर करने की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और बेनशेत खुफिया एजेंसियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इस वक्त हमास ज्यादा से ज्यादा इजरायली हमलों को झेलने की कोशिश कर रहा है।
असल में हमास आने वाले दिनों में हिजबुल्ला के साथ मिलकर इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। खबर के मुताबिक हमास गाजा सिटी के अंदर भयानक तबाही मचाने की पूरी तैयारी 2 हफ्ते पहले ही कर चुका है। इजरायली सेना को मार रहे 40,000 आत्मघाती। हमास ने गाजा में इसराइल को उलझाने की पूरी तैयारी कर रखी है। गाजा की सुरंगों में हमास ने इतने हथियार, खाना पानी और गोला बारूद जमा कर रखा है जिससे वो लंबे समय तक इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। हमास की कोशिश युद्ध को लंबा खींच कर इसराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना है। हमास के सूत्रों के अनुसार हमास के पास लगभग 40,000 लड़ाके हैं जो कई सालों तक सैकड़ों किलोमीटर लंबी और 80 मीटर गहरी गढ़वाली सुरंगों में छिपे रह सकते हैं। हालांकि इजरायली सेना दंके की चोट पर कह रही है कि हमास के 2500 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं जबकि सुरंगों में 1700 से ज्यादा हमास के लड़ाके जिंदा ही दफन कर दिए गए हैं। इसराइल की यालूम विशेष लड़ाकू इंजीनियरिंग इकाई के सैनिक ने हमास की सुरंगों का सफाया बड़ी तेजी से करना शुरू कर दिया है। गाजा युद्ध का मास्टरमाइंड हमास का नंबर 2 कमांडर। ואנחנו עושים את מה שנדרש. גדודי החמאס סופגים מכות קשות ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד. אפשר לראות כאן את אזורי העיר עזה. בכל מקום כזה, בכל ריבוע כזה, יש לפחות מסגרת גדודית או פלוגתית. המסגרות האלה הולכות ומתקרסמות, הולכות ומתפרקות כתוצאה מהפעולה הנחושה של לוחמי צה"ל. इसराइल के रक्षा सचिव यू गैलेंट, इजरायली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हेलेवी, आईटीएफ के ब्रिगेडियर जनरल एतिजिक कोहेन का साफ कहना है कि हमास को गाजा पट्टी में अब दोबारा कभी घुसने नहीं देंगे और ना ही अब गाजा में कभी भी हमास का एक भी लड़ाका या नेता जिंदा बच पाएगा। इजरायली सेना के स्पेशल फोर्स इस वक्त गाजा सिटी के बेहद अंदर घुसकर ऑपरेशन चला रही है। इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग में एक ही बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि हमास की भीषण तबाही और इजरायली सैनिकों को हमास के जानलेवा हमलों से बचाना, यही वजह है कि इजरायली जमीनी सेना के खुफिया इनपुट को लेकर उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में चुन चुन कर भीषण हमले कर रहे हैं।